ओ नमस्कार बंधुओं, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल कागज पर, टोटके पर। बंधुओं, आज के वीडियो में बताने वाले हैं वृश्चिक राशि और धनु राशि के बारे में, कि इनको कौन सा मंत्र जपना चाहिए, कब जपना चाहिए और किस देवी या देवता की तस्वीर सामने रख के जपना चाहिए अपना सौभाग्य लाने के लिए। यानी कि अगर आपका भाग्य साथ नहीं देता है, बनते हुए काम बिगड़ने लगते हैं, तो आप ये उपाय अवश्य करें, धन लाभ भी होगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए है ओम ऐं क्लीं सौः, गणेश जी की मूर्ति या प्रतिमा या फिर तस्वीर सामने रख के ये मंत्र का जाप करें तो आपको निश्चित तौर पर बहुत लाभ मिलेगा। आपको तुलसी की माला का इस्तेमाल करना है। सोमवार से आप ये उपाय शुरू कर सकते हैं। धनु राशि वाले ओम ह्रीं क्लीं सौः, श्री दत्तात्रेय भगवान की तस्वीर सामने लगाएं, या फिर उनकी तस्वीर नहीं है तो मूर्ति लाएं तो ज़्यादा अच्छा है। सप्तिक की माला का इस्तेमाल करें तो निश्चित तौर पे आपको इसमें बेहतरीन लाभ मिलेगा। धन लाभ के भी इसमें आपको मार्ग खुलने लगेंगे। और जैसे कि हम हर बार बताते हैं, यदि आप किसी अन्य राशि के हैं और आप अपने किसी अन्य समस्या के लिए हमसे बात करना चाहते हैं और हमसे ये बताना चाहते हैं कि कैसे आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो टेलीग्राम एप्लीकेशन इसको डाउनलोड करें अपने फ़ोन पर। इस पर आपको हमारा ग्रुप मिलेगा कागज़ पर टोटके, इस ग्रुप को आप ज्वाइन करें। जैसे ही आप ज्वाइन करेंगे आपको हमारा मैसेज आएगा, फिर हम आपको आपकी व्यक्तिगत समस्या के अनुसार आपको आगे जो समस्या है उसका हम समाधान बताएंगे। याद रखिएगा, जो हमारा ग्रुप है उसमें 2200 लोग जुड़ चुके हैं। हमारा एक और चैनल है यूट्यूब पर जिसका नाम है कागज़ पर ज्योतिष, उसको भी सब्सक्राइब करें। 2200 लोग जुड़ चुके हैं, यही वाला आपको ज्वाइन करना है। यहाँ तक वीडियो देखा आपने, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।